नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रगान का अपमान करने के एक मामले में मुंबई की अदालत ने ममता बनर्जी को जारी किया सम्मन, 2 मार्च को पेश होने के दिए निर्देश। संघ कार्यकर्ता की हत्या की जाँच सीबीआई से कराने की मांग का पुलिस ने किया विरोध, कहा फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगरा में बसपा मुखिया कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुई मायावती, सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं रहता ध्यान। दिल्ली में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क अनिवार्य पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से कहा यह आदेश बेतुका, अब तक लागू क्यों। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से लड़ेंगे चुनाव, सपा ने कुल 15 प्रत्याशी किए घोषित। कुशीनगर जिले की विधानसभा फाजिल नगर से इलियास अंसारी को टिकट न मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पटेरिया चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। मथुरा में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा नाम समाजवादी, काम दंगावादी व परिवारवादी। भाजपा ने इस बार लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मंत्री स्वाति सिंह की जगह राजेश्वर सिंह को दिया टिकट, राजेश्वर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। पंजाब में 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नामक राजनीतिक दल बनाया है, जिसे अब चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। हालांकि पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा केवल धर्म की बात कर रही है भाजपा। अब तक की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।